नमस्ते दोस्तों, डियर सोसाइटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पता करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि बिल्डर से सोसाइटी हैंडओवर का जो प्रोसेस है वो कैसा होना चाहिए और किन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको विनती करता हूँ कि आप डियर सोसाइटी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें। इसके साथ ही साथ कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, अपार्टमेंट और इससे रिलेटेड जो एक्ट्स है उसमें अमेंडमेंट्स है, जीआर, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन वगैरह, तो ये सारी जो अद्यावत इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस ऐप पे मिल सकती है। तो आप वो ऐप अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करें और सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, सोसाइटी से हैंडओवर का प्रोसेस क्या होना चाहिए, किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, ये बहुत बार हमें पूछा जाता है। इसके अलावा बहुत मिसकंसेप्ट लोगों के मन में होते हैं, जो फ्लैट ओनर्स हैं उनको बहुत ही मिस इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है, तो वो सारी जो उनके विचारों की क्लैरिटी जो है उनको इस वीडियो को अंत तक देखने से मिल जाएगी। वैसे सोसाइटी हैंडओवर बिल्डर से लेना, इसको हम चार भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है कि सोसाइटी रजिस्टर होने के बाद सोसाइटी का कार्यभार समिति के पास जाना, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बिल्डर से आपको लेने चाहिए और वो कब लेने चाहिए, ये दूसरा स्टेप है। तीसरा है कि जो आपके प्रोजेक्ट में सेवा सुविधाएं हैं, क्लब हाउस हो, एसटीपी, डब्ल्यूटीपी या फिर ऐसी जो भी सुविधा आपको दी गई है, तो उसका हैंडओवर आपको किस तरह से होना चाहिए। और जो चौथा इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि कन्वेंस करना, तो आपकी जो हैंडओवर का प्रोसेस है वो आपका कन्वेंस होने के बाद ही वैसे देखा जाए पूरा होता है। तो पहले हम शुरुआत करते हैं कि सोसाइटी हैंडओवर जब लेना है तो आपके मन में जो बहुत बार प्रश्न उठता है कि अगर हमने आज हैंडओवर लिया तो बिल्डर जो इनकम्प्लीट काम है वो करेगा नहीं, और बिल्डर जो सुविधा देना देने वाला था अब तक दी नहीं है तो वो भाग जाएगा वगैरह, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको जो जिस किसी के भी मन में उठती होगी, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर होना और कार्यभार हाथ में लेना ये आपके लिए एक माइलस्टोन होता है। इससे बहुत सारे आपके प्रश्नों के उत्तर सॉल्व करने में आपको मदद मिलती है। जैसे कि अगर आपका आपकी सोसाइटी रजिस्टर होती है और आपका कार्यभार आपके हाथ में आता है तो फिर आपकी एक कमिटी बनती है, जो कमिटी ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दी फ्लैट ओनर्स काम करती है। तो उसका फायदा ये होता है कि डिसीजन मेकिंग बहुत सिंपल होता है। बिल्डर ने जो सुविधाएं नहीं दी, जो सेवाएं नहीं दी, वो प्राप्त करने के लिए फिर आपकी ये कमेटी पूरे सोसाइटी के बिहाफ है, एज अ यूनियन काम करती है। तो एक लीगल एंटिटी आपको प्राप्त होती है जो सारे फ्लैट ओनर्स के बिहाफ पे बिल्डर से कम्युनिकेट कर सकती है। इसलिए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर होना और उसका कार्यभार आपने हाथ में लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ देखिए, आप में से कई लोगों को क्या होता है कि फ्लैट बेच रहा होता है, उस समय फिर बिल्डर आपसे एनओसी के नाम पर 50,000, 1,00,000, 2,00,000 रुपए ऐंठते हैं। ये ठगी जो है वो बंद हो जाती है। अगर ये ठगी आपको शुरू रखनी है तो आप सोसाइटी मत बनाइए। फिर सोसाइटी रजिस्टर होने के बाद और एक बहुत बड़ा जो काम होता है वो ये होता है कि जो बिल्डर ने जो हमें सेवा सुविधाएं नहीं दी, तो बिल्डर के अगेंस्ट आप रेरा में जा सकते हैं, एज अ सोसाइटी जा सकती है, आप बिल्डर के अगेंस्ट कोऑपरेटिव कोर्ट में जा सकते हैं, अगर जिस जो मैटर कोऑपरेटिव से रिलेटेड है उसके संबंधित, जिसके लिए आप कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते हैं, आप सिविल कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो एज अ लीगल एंटिटी आपकी सोसाइटी ये सब कुछ कर सकती है। तो सोसाइटी हैंडओवर के बाद, मतलब आपका कार्यभार लेने के बाद, उल्टा आपको एक लीगल एंटिटी मिलती है जो सुविधाएं बिल्डर ने दी नहीं है उसके लिए वो फाइट कर सकती है। इसलिए आपने जो हैंडओवर का प्रोसेस है, कामकाज हैंडओवर का प्रोसेस है, वो कर लेना चाहिए। अब जिस दिन बिल्डर आपको आपकी मीटिंग लगा रहा है, मतलब आपकी मीटिंग उसने शेड्यूल की है, स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग हो या फिर आपकी फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग हो, तो स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग, फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग जब बिल्डर ने कंडक्ट करी हो तो उसमें आपकी कमेटी जब नियुक्त हो रही हो तो आपने उसको अपोज नहीं करना चाहिए, उल्टा आपने कमेटी अपनी अपॉइंट करने की, सिलेक्शन करके अपॉइंट कर लेनी चाहिए। और फिर
जिस दिन आपकी ये फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग हो रही है उस दिन बिल्डर से आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि आपकी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सोसाइटी का जो बायलॉज है अप्रूव्ड बायलॉज, ये दो डॉक्यूमेंट्स तो आपने किसी भी हाल में लेने चाहिए। और फिर आता है कि बहुत सारे और डॉक्यूमेंट जो है फिर वो कब लेंगे, तो उसके लिए अगला पड़ाव है डॉक्यूमेंटेशन का। तो जैसे ही आपकी सोसाइटी रजिस्टर हो जाती, रजिस्टर होने के बाद आपकी कमिटी जैसे ही आती है तो फिर कमिटी उस पर काम कर सकती है, फिर कमिटी अलग अलग तरह के जो डॉक्यूमेंट्स है उसका स्टडी करवा सकती है, लीगल कंसल्टेशन में काम कर सकती है, और बिल्डर ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देने चाहिए इसको एनालाइज कर सकती है, और सोसाइटी के लेटर हेड पे बिल्डर से कम्युनिकेशन किया जा सकता है जो कि लेजिटिमेट भी होगा, कानूनी भी होगा। तो उसका फायदा ये भी होता है कि अगर बिल्डर आपको डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहा है तो फिर अगली कार्रवाई भी की जा सकती है। अब डॉक्यूमेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है कि आपकी सोसाइटी रजिस्टर जो हुई उस रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड फाइल, और दूसरा होता है कि आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड फाइल। ये दो डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसे आपकी कमिटी आएगी तो इन डॉक्यूमेंट्स के लिए फॉलो किया जा सकता है। जो सोसाइटी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, अगर बिल्डर आपका चीफ प्रमोटर था तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो उसने वो आपको देने होते हैं। अगर बिल्डर नहीं दे रहा है तो उसके ऊपर कोऑपरेटिव एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अगर दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स है प्रोजेक्ट रिलेटेड, मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आपको जेरोक्स कॉपी दी जा चुकी होती है, रहता वही है जो आपका कन्वेंस। जब तक कन्वेंस नहीं होगा तो आपको जो इससे पहले की जो ट्रांजेक्शन बिल्डर के थे डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर करे होंगे वो तो बिल्डर नहीं देगा। तो कन्वेंस तक आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए वेट करना होता है। तो आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना कार्यभार पहले संभाले, फिर डॉक्यूमेंट्स के लिए बिल्डर के पास आप फॉलो अप ले। तीसरा जो पार्ट होता है कि सेवा सुविधाएं जो बिल्डर ने नहीं दी है उसके लिए फॉलो अप करें। अगर बिल्डर सेवा सुविधाएं देने में आना का नहीं फिर भी कर रहा है तो आपने रेरा में या फिर कंज्यूमर कोर्ट में या फिर सिविल कोर्ट में जो कोई भी एप्लीकेबल कॉम्पिटेंट कोर्ट होगा या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी उसके पास अपने अपील करनी चाहिए। और लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस हैंडओवर इज कन्वेंस। देखिए दोस्तों, जब तक आप कन्वेंस नहीं करके लेते तब तक आप पूरी तरह से प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बनते, आप फ्लैट के भी पूरी तरह से मालिक नहीं बनते वैसे देखा जाए तो। तो कन्वेंस के लिए फिर आपने बहुत जोर शोर से आपने पीछे लगना चाहिए बिल्डर के कि हमें कन्वेंस करके चाहिए। अगर बिल्डर कन्वेंस करके नहीं दे रहा है तो आपने डीम कन्वेंस करके, सरकार आपको यह सुविधा देती है कि अगर बिल्डर ने आपको चार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के बाद 4 महीने में कन्वेंस नहीं करके दिया तो आप सरकार से अपना डीम कन्वेंस करवा ले सकते हैं। इसका फायदा ये होता है कि बिल्डर जो बार बार प्लान रिवाइज करके वहां पे यूनिट्स की संख्या बढ़ाता है उस पे आप ताला लगा देते हो, उसको आप बंद कर सकते हो। उसके अलावा आपका जो प्रोबेबल लॉस होता है एफएसआई का, वो एफएसआई का लॉस आप रोक सकते हो। और ये है कि अगर बिल्डर बार बार प्लान रिवाइज कर रहा है तो वहां पे और फ्लैट ओनर्स आएंगे तो जो भी आपकी पार्किंग जमीन तो बढ़ेगी नहीं तो पार्किंग में आपको असुविधा हो सकती है, पार्किंग कम पड़ सकते हैं। तो ये बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो खड़ी हो सकती है अगर आपने कन्वेंस जल्द से जल्द नहीं करवाया तो। तो इस प्रोसेस में जब हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है उसमें हमने ये हैंडओवर का प्रोसेस कंप्लीट करा है, और हम जो आज आपको ये वीडियो के माध्यम से जो बता रहे हैं वो हमारा एक्सपीरियंस है। पुणे, मुंबई, कोल्हापुर, औरंगाबाद तक हमने लगभग 150 से ज़्यादा जो सोसाइटीज है, प्रोजेक्ट्स है, उसमें हमने ये हैंडओवर का प्रोसेस बहुत स्मूथली हमने कंप्लीट किया है। इस वजह से हमें ये जो एक्सपीरियंस आया उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम आपको ये आज सब कुछ बता पा रहे हैं। देखिए, आपकी सोसाइटी जैसे ही आप कार्यभार उसका संभालते हो तो कार्यभार संभालने के बाद आपने लीगल कंसल्टेशन में ही काम करना चाहिए, क्योंकि एक होता है बिल्डर के साथ आपको कम्युनिकेशन करना, बिल्डर से सेवा सुविधाएं लेना, और दूसरा होता है आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें जो फ्लैट ओनर्स है एज अ मेंबर्स है तो उनको संभालना। तो दो आस्पेक्ट पे आपको काम करना पड़ता है, एक बिल्डर, दूसरा सोसाइटी एज अ सोसाइटी और आपके मेंबर्स। तो ये दोनों में भी बहुत सारे कानून, बहुत सारे अधिनियम इन्वॉल्व होते हैं जिसकी आपको जानकारी नहीं होती है, लेकिन कहीं सुनी बातों पे अगर आप काम करेंगे तो आप ना आपके मेंबर्स को न्याय दे पाएंगे ना ही आप न्याय ले पाएंगे। जितनी देर आप न्यायालय में जाने के लिए करेंगे
उतना ही आपका लॉस होने की संभावना बढ़ती जाती है। इसलिए सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए आपको उस क्षेत्र में जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे सलाह लेके फिर आपने आगे का काम करना चाहिए। धन्यवाद।